भले ही सरकार कागजों पर कई योजनाएं बना देती है, लेकिन उसका लाभ गरीबों को नहीं मिल पाता है। इसकी एक बानगी सहरसा में भी देखी जा सकती है, जहां कैंसर पीड़ित कई दिनों से दर दर भटकने को मजबूर है, लेकिन उसे सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में पीड़ित परिवार अब समरनाले गेट के बाहर धरने पर बैठ गया है। मामला 70 कटैया प्रखंड के कुम्हारा घाट की है। ये दर्द भरी कहानी सुनते हैं पीड़ित परिवार की जुबानी। पहले सुपौल में इलाज करे लिए, 22,000 टका सुपौल में लगे लिए, तक बाद बम्बई इलाज करे लिए, ओहो से नहीं ठीक भले, लॉकडाउन लाग गए, पटना इलाज करे लिए, टका पैसा सठ गए, ऋण कर्जा ला कर जगह जमीन कुछ रहे से सब बेच कर, सब कुछ गया माल बेच कर इलाज करे लिए, तक बाद घर 4 महीना से बैठ गए, तक बाद अथी पर अनसर पर बैठ गए हैं, सरकार तरफ से कुछ आदेश मिले, कुछ मदद हुए, आदमी की इलाज कराबा, बचाबे, 5 गो बेटी से नहीं पढ़वे लिखे छे कुछ नहीं। मेरा मामला ये है कि कैंसर की इनका इलाज करवाना है और हम लोगों के पास अब पैसा नहीं है कि इनका इलाज हम लोग करवा पाए, तो सरकार से ये चाहते हैं कि हमारा इलाज हो और गवर्नमेंट अपने स्तर से इनका इलाज करवाए। ऐसे में एक बार फिर से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं।